नमस्कार दोस्तों, मदरसा अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज हम पॉलिटी में तीसरे टॉपिक के साथ यानी तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन क्या है। कैबिनेट मिशन तीन अंग्रेज अधिकारी इसके सदस्य थे और ये इसलिए बनाया गया था ताकि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो सके। ठीक है, क्यों? देखिए 1945 में ये कैबिनेट मिशन, आपको बता देता हूँ, ये 1946 में आया था। 1945 में वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुआ और उस समय वहाँ के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, कौन थे वहाँ के पीएम? विंस्टन चर्चिल, और ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कंजर्वेटिव पार्टी सब समझिएगा, कंजर लोग थे, इसका मतलब ये भारत को सिर्फ और सिर्फ गुलाम रखना चाहते थे। तो विंस्टन चर्चिल की हार हुई एवं लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली ये वहाँ के नए पीएम बने। ये भारतीयों से सहानुभूति रखते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अगर भारत को हम जल्द से जल्द आज़ाद करना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने एक कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया। अब कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, जिससे हम जल्द से जल्द इंडिया को छोड़ दें और इंडिया अपना संविधान खुद बनाए और अपना देश खुद चलाए। तो देखिए होता ये है कि 18 फरवरी 1946 को एक विद्रोह होता है जिसे नौसैनिक विद्रोह कह रहे हैं। ठीक है, ये जो विद्रोह होता है, इस विद्रोह के बाद अंग्रेज समझ जाते हैं कि अब ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते हैं। तो ठीक इसके एक दिन बाद यानी 19 फरवरी 1946 को इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड में जो वहाँ उस समय भारत के भारत सचिव थे सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे भारत सचिव? सर पैथिक लॉरेंस। इन्होंने ये कहा कि हमें भारत को आज़ाद करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें कैबिनेट मिशन का प्लान को क्या भारत भेजना चाहिए। तो सब एग्री कर गए और उसके बाद 14 मार्च 1946 को एटली ने भाषण दिया। क्लेमेंट एटली जो उस समय ब्रिटिश पीएम थे, उन्होंने भाषण दिया कि एक कैबिनेट मिशन बनेगा और इस कैबिनेट मिशन में तीन लोग होंगे और ये भारत जाके क्या करेंगे, संविधान सभा के निर्माण में मदद करेंगे। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी कि 24 मार्च 1946 को ही, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन हो गया और वो दिल्ली आ गया। अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन किस साल आया, तो इस साल आया ये 1946 को आया। इस कैबिनेट मिशन में तीन लोग थे, देखिए पहला नाम है पैथिक लॉरेंस जो उस समय के भारत सचिव थे, दूसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स वो क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरा नाम है ए वी अलेक्जेंडर नौसेना अध्यक्ष थे। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया कि 19 फरवरी 1946 को भारत मंत्री ने यानी भारत सचिव ने एक कैबिनेट मिशन की घोषणा की जो संसदीय मंडल का मुख्य कार्य करेगा। इसका मुख्य कार्य यह है कि इस बात की जाँच करने की क्या भारतीयों को सत्ता शीघ्र से शीघ्र दी जा सकती है। इसका मतलब ये तभी दे पाएंगे जब संविधान सभा का निर्माण हो जाए। और 24 मार्च 1946 को मिशन कहाँ? दिल्ली पहुंचा। जब मिशन दिल्ली पहुंचा तो मिशन ने कहा कि हम भारत की जो मुख्य पार्टियां हैं उनसे बात करेंगे। ठीक है, उस समय भारत में दो मुख्य पार्टियां हुई करती थी, एक थी आपकी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसे हिंदुओं की पार्टी कहकर प्रचारित किया जाता था। दूसरा था AIML यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके अध्यक्ष जिन्ना थे, और इसे मुस्लिमों की पार्टी कहकर प्रचारित किया जाता था। तो शिमला में एक त्रिसदस्यीय मीटिंग हुई, यहाँ पर देखिए शिमला में एक त्रिसदस्यीय सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस जो उसको हिंदुओं की संस्था कहा जाता था, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश, ये तीन संस्थाएं थी। तो कांग्रेस से कौन कौन शिमला लीग में भाग करने गया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात करें तो कौन थे? जिन्ना, इस्माइल खान और लियाकत अली खान वहाँ के पहले पाकिस्तान के पहले पीएम बने थे। और ब्रिटिश से कौन कौन था? लॉर्ड बेबल जो उस समय के भारत के क्या थे,
वाइसराय थे, और इनके साथ जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे वो आए थे। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी विचार हुआ, काफ़ी बातचीत हुई। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मुस्लिम लीग सिर्फ ये चाहता था कि दो राष्ट्र का सिद्धांत यहाँ पे लागू हो और भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्य बने और मुसलमानों को पाकिस्तान मिल जाए, लेकिन कैबिनेट मिशन ने उनकी इस मांग को नकार दिया। इससे विफल होकर मुस्लिम लीग ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और 12 मई को सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी गई, यानी कि इस जिस मकसद से आया था तो वो पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य मकसद ये था कि ये कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार दिया। जब पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है, तो मुस्लिम लीग आग बबूला हो गया और उसके बाद उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है, वो स्टार्ट कर दिया। उसके बारे में अभी आगे और बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए, इसके तहत ये कहा गया कि संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी, यानी कि एक भारत नामक एक संघ बनेगा। ठीक है, जितने भी छोटे राज्य रजवाड़े हैं सब इसमें शामिल होंगे। अगर ये शामिल होते तो ठीक है, अगर शामिल नहीं होते तो अपना अलग अलग प्रांत से अपना समूह भी बना सकते हैं, लेकिन एक समूह बनेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ये जो संघ बनेगा, इस संघ की अपनी कार्यपालिका होगी यानी एग्जीक्यूटिव होगी, और इसकी अपनी विधायिका होगी। ठीक है, यानी कि कोई कानून बनाएगा और कोई क्या होगा, उस कानून को पालन करवाएगा। और इसमें ये कहा गया कि एक बार संविधान सभा अगर बन जाती है तो ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता खत्म हो जाएगी, यानी कि अब भारत का में कोई भी कार्य में ब्रिटिश जो है वो दखल नहीं देंगे, वो शासन नहीं करेंगे। इसके तहत और एक चीज़ हुई कि भारतीय रियासतों को कहा गया, या तो आप संघ में शामिल हो जाइए, और अगर आप संघ में शामिल हो या ना हो ये उन रियासतों पे छोड़ दिया गया, यानी कि 1000 टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद इस मांग को कांग्रेस ने मांग लिया। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से हम लोग चाह रहे थे कि हमारा संविधान सभा बने, और जब ये मौका मिले तो हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए था। इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि हम इसे मान लेंगे, और जहाँ तक संघ या रियासतों की बात है तो हम बात करेंगे रियासतों से और उनको भारत में मिलाने का कार्य करेंगे। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत देखिए, इसके तहत ये बोला गया कि एक संघ बनेगा और इस संघ में जितने भी काम हैं, चाहे विदेश हो, चाहे रक्षा हो, ठीक है, चाहे संचार हो, जितने भी चीज़ें, सब के सब इसमें से कोई भी अंग्रेज अधिकारी इसमें नहीं रहेगा, सब के सब कौन करेंगे, सब के सब भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा। इसके तहत क्या होगा, एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसे सभी पार्टियों को क्या होगा, समर्थन प्राप्त होगा। ये जो अंतरिम सरकार होगी, इसका मुख्य काम क्या होगा, ये जो अंतरिम सरकार बनेगी सभी पार्टियों के सहयोग से, इसका मुख्य काम ये होगा कि ये क्या बनाएगी, ये संविधान सभा बनाएगी, और यही संविधान सभा आगे चल के भारत के लिए एक संविधान निर्माण का कार्य करेगी। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये क्या बनेगी, एक संघ बनेगा। इस संघ में देखिए 3 भाग में डिवाइड किया गया, इसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में देखिए मद्रास, बॉम्बे, सीपी यानी कि संयुक्त प्रांत, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी और उड़ीसा को रखा गया। ग्रुप बी में सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान और बलूचिस्तान, ये चारों के चारों इलाके कहाँ पे, पाकिस्तान में पड़ते हैं। और ग्रुप सी में देखिए बंगाल और असम को रखा गया। इसका मुख्य काम क्या था, संविधान सभा का मुख्य काम ये था कि संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करवाना, यानी कि एक ऐसी सभा का निर्माण करवाना संविधान सभा का, जो आगे चल के देश के लिए क्या करेगी, एक संविधान का निर्माण करेगी। तो क्या हुआ, इसके लिए अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के लिए इलेक्शन कब हुआ, तो आंसर आना चाहिए जुलाई 1946 में। और ये जो चुनाव था ये अप्रत्यक्ष था, इसका मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इससे पहले जस्ट ही इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन हुए थे, अगर मान लीजिए वापस से इलेक्शन होता तो मुस्लिम लीग तो यही चाहता था कि ये काम ना करे, क्योंकि अगर ये काम कर जाता तो पाकिस्तान नहीं बनता। ठीक है, इसलिए कैबिनेट मिशन ने ये तरीका दिया कि आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव ना कराएं, आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराएं, यानी कि जो चुने हुए नेता है उनमें से ही किसी को चुन लें और एक संविधान सभा बना दें, और वही संविधान सभा आगे चल के क्या है, संविधान बनाए। जब इस बात का पता मुस्लिम लीग के लोगों को लगा तो उन्हें यही लगा कि अंग्रेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही
मानती है या फिर कांग्रेस को ही इस देश के सर्वे सर्वा मानती है। तो इससे उनको ख़राब लगा और उन्होंने इसके खिलाफ़ में क्या किया, इसके खिलाफ़ में डायरेक्ट एक्शन प्लान यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया। और इस समय क्या हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तौर पे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम में दंगा बढ़ गया। इस दंगे में तकरीबन ये कहा जाता है कि 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है, और 1.5 करोड़ लोग अपने घर द्वार से बेघर हो गए। लेकिन आधिकारिक डाटा कहता है कि 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 5 लाख लोगों की भी मृत्यु हुई। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे टोटल मैंने बताया था कि 389 सीट्स बने, ठीक है, कितने बने, 389 सीट्स। अब पूछेगा एक सीट कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो एक सीट 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे देखिए, टोटल जो सीट थे 389 थे, 389 में एक चीज़ देखिएगा, 292 ये 11 जो ब्रिटिश राज्य थे वहाँ से आने थे, 4 जो थे ये चीफ कमिश्नरी से आने थे, ठीक है, और 93 जो थे 93 देसी रियासतों से आने थे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 292 सीट है, ये 292 सीट में से 208 सीट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती, 78 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती, ठीक है, और 15 जो थे 15 निर्दलीय थे यानी कि इंडिपेंडेंट थे। अब यहाँ पे सिर्फ 78 सीटें आईं, तो 78 सीटें आने के कारण मुस्लिम लीग जो चाहते थे वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुमत किसके साथ था, कांग्रेस के साथ था, तो ये चीज़ भी आगे चल के हितकारी नहीं साबित हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जब ये पता चल गया कि मुस्लिम लीग को कि कहीं से भी हम पाकिस्तान की मांग को अपना नहीं सकते हैं, तो मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने ये कहा कि अब अपनी मांगों को लेने के लिए हमें सड़क पर उतरना होगा और दंगे करने होंगे। और इसी के तौर पे जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया, क्या डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये हुआ कि अब प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाएगी और ये जो दंगे हैं, दंगे भड़क उठे। अगर पूछा जाए कि दंगे सबसे पहले कहाँ से भड़कने स्टार्ट हुए, तो याद रखिएगा बंगाल। बंगाल में एक जगह था नोआखेली, बंगाल में एक जगह था, नाम क्या था उसका, नोआखेली। ये नोआखेली में मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ बर्बरता की एवं इतने लोगों की मृत्यु हुई कि गांधी जी जब वहाँ पर गए थे तो उनका दिल पसीज गया और गांधी जी ने वहाँ पर बैठ के अनशन स्टार्ट कर दिया और बोला कि जब तक या तो मैं मरूँगा या फिर ये दंगे रुकेंगे। और आखिरकार में दंगे रुके और गांधी जी के जो अनशन था वो सफल रहा। तो इसी को देखकर उस समय के जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इसी को देखकर गांधी को कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स, क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी कि जो मेरे 50,000 सिपाही भी नहीं कर पाए बंदूकों के साथ, वो अकेले इस व्यक्ति ने कर दिया, दंगों को क्या कर दिया, शांत कर दिया। यहाँ पे देखिए और कुछ कुछ बात इसमें और एक जान लीजिए। अब आपको मैंने बताया था कि तीन विषयों में विषयों को बांटा गया, एक तो था आपका केंद्र विषय, एक थे राज्य और एक थे संवर्ती। इसमें केंद्र के अधीन जो विषय थे उसका फैसला कौन बना सकता था, केंद्र, लेकिन और राज्य के अधीन जो विषय थे उसको कौन बना सकता था, राज्य। लेकिन जो संवर्ती है आज के डेट में, संवर्ती सूची पे कौन कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का कानून है तो सिर्फ केंद्र का लागू होगा। लेकिन उस समय अगर संवर्ती सूची था तो उस पर भी कानून को बनाने का अधिकार किसको था, सिर्फ और सिर्फ राज्य को था, यानी कि केंद्र का कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र में लागू होगा, जबकि संवर्ती सूची और राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसे दिया गया था, राज्य को दिया गया था। इसी को कहा जाता है रेसिड्यूरी पावर यानी संवर्ती सूची, यानी रेसिड्यूरी पावर किसे दी गई थी, तो ये किसे दी गई थी, प्रांतों को दी गई थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद एक अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई जिसमें 14 मेंबर थे, ठीक है, 14 मेंबर थे और इसके जो हेड थे वो वाइसराय थे। इसमें
हाँ सुन लीजिए, जैसे गांधी जी ने अनशन स्टार्ट किया तो कांग्रेस और जो वायसराय थे उन्होंने यही सोचा कि अब अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो ये देश नहीं बचेगा, तो इसलिए उन्होंने ये किया कि वो गए और मुस्लिम लीग को समझाया, मुस्लिम लीग को समझाया कि आप ये हट छोड़ दें और आप संविधान सभा में शामिल हो जाएं और अपने मांगों को एक संवैधानिक तरीके से रखिए। और चौतरफा दबाव पड़ने के बाद मुस्लिम लीग इस बात पे राज़ी हो गए, और राज़ी होने के बाद एक 14 सदस्य क्या बनी, एक अंतरिम सरकार बनी। इस 14 सदस्य अंतरिम सरकार में कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, एक ईसाई, एक पारसी और एक सिख थे, ठीक है। और यहाँ पे 24 तारीख है, ये 24 को कट कर दीजिए, ये 12। फिर 12 अगस्त 1946 को क्या कहा गया, गवर्नमेंट बनाने के लिए लॉर्ड वेबल ने कहा कि आप आइए, और नेहरू को बोला कि आप गवर्नमेंट क्या है बनाइए। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन में क्यों आया, तो कैबिनेट मिशन का मेन मुद्दा ये था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना जो आगे चल के एक संविधान बनाएगी और जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण हो। तो उस समय बहुत सारे फैक्ट बन सकते हैं कि उस समय का पीएम कौन था, कैबिनेट मिशन क्यों आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन सबसे पहले कहाँ आया था, तो दिल्ली में आया था, 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, कैबिनेट मिशन ने शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन किया था, ठीक है। इस तरीके की चीज़ तो हुए ही थी। तो यहाँ से ये आपको ये पता चला होगा कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीज़ हुई और क्या क्या फैक्ट इससे बनते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, कैबिनेट मिशन आ गया और संविधान सभा के निर्माण की बात हुई, तो इसके बाद आता है आपका 1947 का माउंटबेटन प्लान, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है 1947 का माउंटबेटन प्लान। ये माउंटबेटन प्लान के तहत ये हुआ कि लॉर्ड वेबल को हटाया गया और बोला गया कि अब भारत के जो नए वायसराय बनेंगे वो कौन होंगे, माउंटबेटन बनेंगे। और माउंटबेटन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब भारत और पाकिस्तान नामक जो जो राज्य हैं, अगर बच सकते हैं तो बचाइए, अगर नहीं बच सकते हैं तो उनको अलग अलग करके कीजिए, जिससे ब्रिटिश जो है आसानी से उस देश से निकल सके। तो देखिए पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट ये है कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्य बन जाएंगे। दूसरा, बंगाल एवं पंजाब को में दो दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव दिया गया। क्यों, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे तो ये अगर भारत का अगर नक्शा आपको याद हो तो पंजाब एक इंडिया में भी पड़ता है और एक पाकिस्तान में भी पड़ता है, और दूसरा बंगाल एक इंडिया में भी है जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, और उस समय एक बंगाल वो भी था जो आज के डेट में बांग्लादेश है, उसे उस समय पूर्वी बंगाल कहा जाता था। तो यहाँ देखिए, एक पंजाब पाकिस्तान में, एक इंडिया में, एक बंगाल इंडिया में, एक पाकिस्तान में। तो इसलिए बंगाल और पंजाब में क्या बोला कि दो दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव दिया जाए, यानी कि ये जो पंजाब है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाए, एक पाकिस्तान जाएगा एक इंडिया। उसी तरीके से बंगाल के साथ भी कहा गया कि एक इंडिया में रहेगा और एक पाकिस्तान में रहेगा, और ये चीज़ हो भी गई, ठीक है। तीसरा देखिए, इसमें और एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल और असम का जो सिलहट जिला है वो पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था, ठीक है। असम का सिलहट जिला कहाँ सम्मिलित किया जाना चाहिए था, पाकिस्तान में। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक गवर्नर जनरल होगा जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जितना भी डोमिनियन बनेगा, यानी दो डोमिनियन बनेगा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, दोनों के लिए क्या होगा, एक गवर्नर जनरल होगा। इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, जो वो थे माउंटबेटन, और माउंटबेटन के बाद जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे, सी राजा गोपालाचारी। कौन बने थे, सी राजा गोपालाचारी। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, वो बने थे आपके जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के कौन बने थे, जिन्ना, और इंडिया के प्रथम कौन बने थे, इंडिया के प्रथम बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उनके बाद प्रथम भारतीय की बात करें तो कौन थे, सी राजा गोपालाचारी थे। चौथा देखिए, प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा जिसे विधियां बनाने का पूरा अधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान बन गया तो इंडिया और पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया अपना संविधान अलग बनाएगी और पाकिस्तान अपना संविधान अलग बनाएगी। पहले टोटल 389 सीट थे,
उसके बाद जब पाकिस्तान हट गया तो ये सीटों की संख्या कितनी हो गई, 299 हो गई। ठीक है, पांचवा देखिए, डोमिनियन की सरकार के लिए अस्थाई उपबंध के दोनों के द्वारा दोनों संविधान सभाओं की संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक संविधान सभा ही संविधान का निर्माण के लिए कार्य करती रहेगी। और इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, के अनुसार 14 से 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र समूहों या फिर राष्ट्रों का क्या हो गया, गठन हो गया। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा था उस समय जो भी छोटे छोटे राज्य थे उनको ये कहा गया कि या तो आप इंडिया के साथ रहिए या पाकिस्तान के साथ रहिए या फिर आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, अपने अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी राज्य थे सब तो मान गए, बस तीन राज्य जो थे उन्होंने अपना फैसला नहीं दिया था। एक था कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। ये तीनों इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते थे। कश्मीर में तो आपको पता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने हाँ नहीं की थी, हैदराबाद के निजाम ने भी हाँ नहीं की थी, और जो बचा जूनागढ़, जूनागढ़ में क्या हुआ था कि जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, लेकिन जूनागढ़ की जो प्रजा थी उसमें तकरीबन 90% जो लोग थे वो हिंदू थे। तो जूनागढ़ के राजा ने अपने आप को बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, तो सरदार पटेल ने उनको समझाया और उसके बाद जो जूनागढ़ का राज्य था वो कहाँ पे मिला, वो भारत में मिला। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कैबिनेट मिशन क्यों आया था, कैबिनेट मिशन किन किन कारणों की वजह से आया था। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बताया होगा कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से पढ़ें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।